आज हम देखेंगे कि कुकिंग क्लासेस में या फिर कुकिंग का जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप कैसे आगे तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो चीज़ें बनाते हो या फिर जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, या फिर ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ों के ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, स्पेशल हो गया। मिसाल के तौर पे जो होटल्स होते हैं तो वो अपनी होटल का एक नाम रखते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे मास रेस्टोरेंट, तो वो क्या करेंगे, मास स्पेशल क्या है या फिर ये स्पेशल क्या है, वो होटल के नाम के हिसाब से। तो उनकी स्पेशलिटी रहती है जो सबको जो जायका पसंद आता है, ये एक बात होगी। वो स्पेशलिटी की बुनियाद पर आपका बिजनेस हमेशा चलेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि ऑन डिमांड जो सर्विसेज होती है जो लगती रहती है, आपको ये पता है कि ये सीज़न कौन सा चल रहा है, सर्दियों में क्या लगेगा, गर्मी में लोग क्या पसंद करते हैं, मौसम ही के हिसाब से सीजनल जो रहेंगे वो चीज़ों को आप फोकस कर सकते हैं कि उससे। मिसाल के तौर पर जैसी गर्मी आ गई और आपने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि आइसक्रीम डिलीशियस आइसक्रीम ठंडा और आप ये चीज़ ट्राई कीजिए टेस्टी है ऐसा है, उसमें क्या होगा, सामने वाले का जहन वो गर्मी के हिसाब से वो कुछ सोचता ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी लाई जाए तो आपका ऑर्डर ट्राई करेंगे। अगर मौसम के हिसाब से बारिश हो रही है आप उसको कुछ एक अलग तरह के पकोड़े वगैरह जो चीज़ें होती है उसको एक हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया सीजनल। बाकी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आप या फिर कोई भी अगर कोई होटल में जाता है तो दो तरह के लोग होटल में आते हैं। सबसे पहला होता है कि जो लो बजट वाला है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास स्टार्ट करता है कि सबसे सस्ता क्या है, क्या चीज़ में पेट भरेगा और क्या चीज़ें आएंगी। तो आप कुछ अनलिमिटेड टाइप में या फिर कुछ राइस में उसमें रख सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर आप ऐसी सर्विसेज जैसे कि सेल्फ सर्विसेज दे सकते हैं कि अगर आप चिकन हमको मुहैया कर दें तो आपको इतने में पड़ जाएगा, ये कॉस्ट सस्ते में इतना आ जाएगा। आपका एक एनालिसिस कर सकते हैं जो रेट आने वाला है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मेन्यू की लिस्ट बनाइए जिसमें ये लिखा होगा कि 10-20 रुपये से चालू होने वाली चीज़ें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर गुलाब जामुन हो गया, जलेबी हो गई, समोसा क्यों नहीं होता, आप 5-10 रुपये से अगर वो चालू करेंगे जो आप कर सकते हैं वैसा, ज़रूरी नहीं कि आपको खास तौर से आप समोसे नहीं कर रहे हैं और आपको ऑर्डर ही नहीं आते, ऐसा भी हो सकता है। वो ऑर्डर आप क्या कर सकते हैं, स्कूली कैंटीन में कुछ लेडीज़ को दे सकते हैं कि जो प्यून है या फिर क्लर्क है जो एक्स्ट्रा इनकम कर सक रहे हैं, तो साथ ही साथ वो चला ले, उनको एक रोज़गार का मौका मिल जाए। उसी तरह क्या है कि मेन्यू की लिस्ट जब बढ़ती है तो सामने वाला कहता है कि 50-60-70 में क्या है, क्योंकि मार्केट में जो रेट है अभी बिरयानी तो कॉमन होटल्स में 60-50 रुपये ऐसा प्लेट होती है, उसी तरह से नूडल्स 70 रुपये या फिर 60 रुपये ऐसा मार्केट के रेट है। वो क्वांटिटी को आप पहले लेकर ट्राई कीजिए, आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर वो अफोर्डेबल है वो कीजिए, या फिर उसी पैक को आपका नाम देकर भी 10-20 रुपये एडिशनल ले सकते हैं अगर आपकी सर्विस अच्छी है, साथ में ऐड इन करके चीज़ें कुछ चीज़ें आप ऐसे भी हिम्मत अमली कर सकते हो। 10-20 रुपये का आपको फर्क हो रहा है, या फिर आपने उसको बोले कि हमारा ये चीज़ है कैटरिंग का, या फिर हम ये प्रोवाइड करते हैं, आप हमको 10-20 रुपये सस्ता दो और उसी रेट में जब आप दोगे तो आपको बनी बनाई चीज़ वहाँ से ऑर्डर करके मिली। उसी तरह से आप जब मेन्यू लिस्ट बना देंगे 60-70 इस तरह से जो मेन्यूज रहेंगे, तो बजट वाले क्या करेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में लोग ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने में पैसे कम देना चाहते हैं, जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो 500 रुपये वाली चीज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर हांडी वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं जिसमें कितने लोग खा सकते हैं आपको वो मेंशन करना होगा कि इसमें कितने लोग खा सकते हैं, ये चीज़ है इसमें ये चीज़ कितनी कवर होगी। तो उसमें क्या होगा, जब आप शुरुआत जब करेंगे, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लीजिए SNT की, तो यहाँ पर रोशन गेट पर पहले SNT फ्रेश बेक के नीचे उन्होंने चालू की थी, 6-7 रुपये ढक्कन से कुछ होता, ढक्कन मतलब एक छोटा सा एक वो होता है प्लेट टाइप, उसमें जो है तो 6-7 रुपये के उसके हिसाब से लोग लेकर जाते थे 50-60 की उसकी, क्योंकि सस्ती बिरयानी सबसे सस्ती तहारी वो नाम से वो वहाँ पर लोग रुझे हो रहे थे, वहाँ से बिजनेस बूस्ट हुआ, उन्होंने बिजनेस अभी शिफ्ट किया, फिर अभी उनका चल रहा है। तो एक उन्होंने क्या कर लिया कि तहारी के नाम पर ही बिरयानी के नाम पर एक मार्केट को कैप्चर कर लिया। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो आउटसाइड जाते हैं खुलदाबाद वगैरह, वहाँ पर कुछ जैसे कि होटल्स है बिस्मिल्ला होटल वगैरह, कोई नारेगांव की तरफ जाते हैं चिकन खाना, वहाँ पर जैसे कि तूबा होटल वगैरह ऐसी हो गई, तवा गोश वगैरह के लिए फेमस थी। तो हर एक ने क्या है स्पेशलिटी, यहाँ तक के कागज़ीपुरा में चाय पीने के लिए लोग जाते हैं। तो आपको क्या है कि स्पेशलिटीज़ पहले तो आपकी स्पेशलिटी देखना है और जो स्पेशल चीज़ है उसको ट्राई करना है जो मार्केट में ज़्यादा चलती है।
कुछ फास्ट फूड में लोग चाहते हैं, कभी लोग डेली खाकर बोर हो गए तो चाइनीज चाहते हैं। चाइनीज के अलावा कोई अभी जो है तो ज़्यादातर अभी अलग अलग तरह से फिर में आप ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है उस तरह से, और उसको फिर आप अप्लाई करके उसकी मेन्यू की लिस्ट बनाइए, उसके अच्छे स्पेशल और कुछ ओरिजिनल इमेजेस डालिए। इमेजेस आपका रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई इमेज नहीं ले पा रहे, आप बिगिनर है, तो आप इंटरनेट से मदद के हिसाब से आप वो ले सकते हैं इमेज, लेकिन ज़रूरी रहे कि ओरिजिनल चीज़ उसको मिले। ऐसा नहीं कि इमेज कुछ और है और पार्सल में उसका रंग ही बड़ा पूरा डिफरेंट है, या फिर उसका जायका नहीं दिख रहा, या फिर उसके साथ कुछ जो आपने सलाद वगैरह डाला है वो नहीं दिख पा रहा। सलाद से एक चीज़ ये है कि आप साथ में कुछ सलाद देने की वो कीजिए कोशिश, दही कचुंबर वगैरह हो गया, उसी तरह से कुछ खीरे के पीसेस, गाजर, मूली, ये चीज़ें जब आप रखेंगे ना साथ ही साथ में, वो लोगों को लगता है कि एडिशनल चीज़ आ रही है। जिसको आप क्या कीजिए कि अगर वो वेस्ट होने को आ रही है, फिर मतलब आज सुबह में लेकर आया आपने, दोपहर तक अगर नहीं जा पा रही है, तो उसको कुछ डिशेज में इस्तेमाल कीजिए, उसको यानी कि उसको छील कर पील करके उसके ऊपर सजाइए कोई चीज़ के ऊपर। गोभी जो होती है पत्ता गोभी, कई कई पर चिकन तंदूरी के साथ में देते हैं, वो फाइबर होता है, वो डाइजेशन को भी काम करती है, और ये चीज़ आपको पहले मार्केट की आवाज़ करना होगा। चिकन रोल हो गया, और उसी तरह से अलग अलग चीज़ है, वो कौन सा चलता है, मतलब जो रोटी की शक्ल में, उसका नाम जहन में नहीं आ रहा, मतलब शावरमा, जी हाँ शावरमा। शवरमा वगैरह जो है, शवरमा वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो शवरमा के स्पेशल है बहुत सारे लोग, उसको एक स्पेशलिटी के हिसाब से वो कीजिए। चिकन तंदूरी हो गया, और ये सारी चीज़ों को आपको अलग अलग फ्राई में चलता है, मटन चिकन ये अलग अलग ऑप्शन। तो आप क्या कीजिए, किसी रेस्टोरेंट में अपने भाई को कि कोई अपने शौहर को भेजिए, कोई अपने फर्जंद को, एक रेस्टोरेंट में वो जब भी जाएंगे उनको टास्क दीजिए कि वहाँ का मेन्यू कार्ड जो होगा उसके आपको बस क्या करना है, फोटो लेकर आना है। फोटो लाकर आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें, उसका रेट क्या है, वो कंपैरिजन में आपको हेल्प होंगी। और आप जब मार्केट से, जब लेडीज़ की स्पेशल तौर पे बात कि जब आप अगर कोई चीज़ें मार्केट में ग्रो होना चाह रहे हैं ना, अगर एक चीज़ होती है चलना और एक होता है ग्रो होना, ग्रो होने के लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट में हर तरह से कंपटीशन में आप उतरे, कि आपका रेट भी प्राइस रिजनेबल है, फिर उसी तरह से आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी हाइजीन अच्छी है, वो सारी चीज़ें के सामने वाला 10-20 रुपये ऊपर दे देगा, नो इशू। लेकिन उसको कंपैरिजन में कुछ चीज़ एडिशनल चाहिए आप वहाँ से, तो आप क्या कीजिए, मेन्यूज के हिसाब से उसको वर्क कीजिए, क्वांटिटी भी फिर सिमिलर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी प्लेट में 3 लोग खा रहे हैं, आपकी प्लेट में 2 या 1.5 लोग खा रहे हैं, तो ये चीज़ों को आपको कवर करना होगा। तो जब आपको ये एक बिजनेस, कुकिंग के बिजनेस को प्रमोट करने में आसानी होगी, और मेन इमेजेस से कभी कभार आप जो है तो उसके कुछ वीडियोस लीजिए बनाते हुए या सिखाते हुए। हाँ ये हाथ थोड़ा 2 मिनट हटाइए। हाँ उसी तरह से आप साथ ही क्या कीजिए, एक ऐसे बंदे को लीजिए कि आप रखिए कि फ्री कुकिंग क्लासेस सिर्फ लिमिटेड है 3 गर्ल्स के लिए। 3 गर्ल्स इसलिए क्योंकि एक कभी आना नहीं होगा, किसी की तबीयत खराब नहीं रहेंगी, इररेगुलरिटी होगी, 3 कंसिस्टेंसी से आएंगे, आपको हेल्प मिलेंगे आपके बिजनेस के लिए। उसी तरह से आप उनको टारगेट दीजिए ऐसे यूट्यूब के, ऐसे चैनल बनाने, ये वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, यूट्यूब की अर्निंग आपको स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक मतलब हमारे चैनल से कुछ 50-60 हज़ार रुपये यूट्यूब से आए।